यार दोस्त नमस्कार, उम्मीद करते हैं आप सब एकदम मस्त होंगे, चकचक होंगे, झकास होंगे। प्यार दोस्त, हमारे घर में बहुत सारे बोर्ड लगे, इवन आपके घर में भी लगा होगा। वो दोस्तों काफ़ी दिन तक जब हम यूज करते थे वो खराब होता, स्विच है, सॉकेट है, वो दोस्तों खराब हो जाता है। तो चलिए, जैसे आज हमारे पास एक का बोर्ड है वो दोस्तों खराब, उसमें प्रॉब्लम क्या है वो हम आपको दिखाते हैं, और कैसे दोस्तों आपको रिपेयर करना है, कोई भी हो उसमें आपका सप्लाई रहे चाहे ना रहे, आपको कैसे एकदम ईजी तरीके से और सेफ तरीके से रिपेयर करना है वो हम आपको बताना है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा बोर्ड लगा हुआ है, इसमें दोस्तों सप्लाई है, लेकिन मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। ये जैसे आप यहाँ लगाते हैं तो ये पूरी तरीके से देखिए ऑन है, फिर भी जो हमारा बल्ब है वो नहीं जल रहा है, लेकिन जब इसको हम क्रॉस करते हैं तो देख पाएंगे, यहाँ देखिए आपको उजाला दिख रहा है, फिर देखिए ये। तो इसका मतलब दोस्तों ये सॉकेट है वो ख़राब हो चुका है, कि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा गंदगी भी है, काफ़ी दिन तक यूज करते करते ये लूज हो जाता है, और ये हमारे जो स्विच है ये सब भी दोस्तों पूरी तरीके से ख़राब हो चुके हैं। तो चलिए फटाफट से इसको खोल लेते हैं। खोलना कैसे, बहुत ही ईजी है, तो ये आपका बहुत ही आसानी से खुल जाएगा, इसको खोलना बहुत ही इजी है, और बस सिंपल जब ये खुल जाएगा तो हम क्या करेंगे इसको निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने इन सबको खोल लिया, मैं आपको वायर समझा दे रहा है कि ये देखिए ये जहाँ पर ये दोनों कॉमन स्विच से जुड़ा हुआ है, ये हमारा फेज वायर है यहाँ पर, और ये इसके जो दूसरी साइड जुड़ा हुआ है स्विच से, ये हमारा पॉइंट है। तो एक हमारा बल्ब का पॉइंट है यहाँ पर इस वाले बोर्ड पे, और एक हमारे यहाँ पर सॉकेट है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा फेज वायर है इसको दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से करके हम निकाल देंगे। ये हमारा यहाँ पर सप्लाई है, इसमें दोस्तों ऐसा नहीं कि सप्लाई नहीं है, यहाँ पर सप्लाई है, ये देखिए। और बस आपको सिर्फ यहाँ पर देखिए कहाँ पर डालना है, ये जहाँ पर एकदम खाली है जो पाइप है उसके अंदर डालना है, ना कि आपको कहीं और डालना है। तो हमने वहाँ पर लगा दिया है एक वाले वायर को, देखिए ये जो वायर बात की हम यहीं पर, इसको हम ध्यान में रखना है, यहाँ पर हम डाल दिए हैं। और न्यूट्रल वायर को आप चाहे तो टेप से बांध सकते हैं, या फिर आप किसी चीज़ से, ताकि ये दोस्तों एकदम अलग रहे और हमारा जाके मिक्स ना हो जाए, क्योंकि एक ही कलर का बहुत सारा वायर है, इसीलिए हमको यहाँ पर बांधना पड़ रहा है, नहीं तो अलग अलग कलर का रहता तो हमको कोई दिक्कत नहीं रहता। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसको खोल लेंगे यहाँ पर, देखिए अब इसको देखिए यहाँ पर हम इसको खोल के अच्छे से खोल लेंगे। इसमें देखिए सप्लाई है, यहाँ पर हमारे पास दोस्तों इन्वर्टर है, इसीलिए इसको हमको फेज और न्यूट्रल दोनों को ही आसानी से और बहुत ही सावधानी से करना पड़ेगा, नहीं तो हमारा कोई भी दिक्कत हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए मैं इसको अलग कर दिया हूँ। अब देखिए एक वायर और बचा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाला जो है ये हमारा है अर्थिंग का, तो हम अर्थिंग को भी अलग कर देंगे। तो अर्थिंग दोस्तों हमारा दो है, यहाँ पर लूप करके गया है दूसरे वाले बोर्ड के पास, तो इस वाले को देखिए ये दोनों आपस में ना सटने पाए। अब हमें यहाँ पर देखिए एक पॉइंट है, इसको हम हटा देंगे। अब हमें सब कुछ याद है हम कहाँ पर क्या रखे हुए हैं, तो ये देखिए इसको भी खोल करके हमने यहाँ पर अलग कर लिया, ये देखिए बस सटे ना किसी भी तरीके से, ये बस। अब आपको इसको कोई सी छेड़छाड़ नहीं करना है, अब सिंपल से चलिए मैं पहले अब इसको बना लेता हूँ। अब आपको कुछ नहीं करना, बस सिंपल से ये जितने भी सारे लगे हुए हैं पूरा पूरा आपको कंपोनेंट को खोल लेना है अच्छे से, खोल के और इसके स्थान पर दूसरा हम लगा देंगे। तो यहाँ का फटाफट सब खोल लेते हैं इसको, क्योंकि ये सारे जितने भी लगे हैं चाहे सॉकेट हो स्विच हो वो दोस्तों पूरी तरीके से ख़राब हो चुका है। तो ये हमारा पूरा देखिए कि यहाँ से निकल चुका है, अभी इन सबको हम निकाल के सीधा इसके स्थान पर हम नया लगा देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए ये वाला अब हम नया वाला लगा देंगे, ये देखिए ये पुराना है, इसको मैंने हटा करके मैं यहाँ पर नया लगा रहा हूँ। एंकर का ही दोस्तों हमने फिर से यूज किया है, क्योंकि इसका होल आगे पीछे नहीं होगा, आपको सिंपल सा अल्फ़ाबेट देख करके आपको इस तरीके से लगा देना है, ये देखिए। नहीं तो अगर आप दूसरी कंपनी के लेंगे तो आपका जो होल है ये आगे पीछे हो, जिस कंपनी का लगा था हमने उसी कंपनी का लगाया है। अब चलिए फटाक से इसको नट को हम टाइट कर लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आपको एक वायर लेना है इस तरीके से छिला हुआ, और इसको देखिए यहाँ से इस तरीके से लगाते हुए इस दूसरे वाले स्विच के यहाँ पर देखिए इस तरीके से कुछ इस तरीके से लगा देना है यहाँ पर, और एक को दोस्तों यहाँ पर क्या करना है टाइट कर देना है, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर हम मेन फेज अभी लगाएंगे, इसके लिए मैंने एक को छोड़ दिया है। इस वाले पहले वाले स्विच के थ्रू दोस्तों इस सॉकेट को सप्लाई जाएगा, और एक हमारा जो पॉइंट था ये यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक देखिए छोटा सा हमने वायर पहले से ले रखा हुआ है यहाँ पर देखिए, तो आपको कुछ नहीं करना, बस सिंपल सा इसको भी इसमें इस तरीके से लगा करके और आपको इस स्क्रू को टाइट कर देना है एकदम सिंपल सा, ये देखिए। अब इसको दोस्तों यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसको स्विच पर आपको कनेक्ट कर देना है सिंपल सा लगा करके, ये देखिए
तो यहाँ पर देखिए बस इसका यहाँ पर स्विच के थ्रू यहाँ पर लगा करके हम इस तरीके से इसको भी टाइट कर देंगे एकदम अच्छे से। ये देखिए पॉइंट वाले को हमने पॉइंट वाले से, अभी यहाँ पर दोस्तों फेज़ नहीं है तो हम हाथ से पकड़ काम कर पा रहे हैं। और वैसे भी जब भी आप ये काम करें तो आपको अच्छा सा स्लीपर पहनना जो सूखा हो, या फिर आप यहाँ पर दोस्तों वो पहन सकते हैं, आप सूज पहन सकते हैं कोई भी अच्छा सा। तो यहाँ पर देखिए न्यूट्रल को हम यहाँ पर इसे कनेक्ट कर देंगे सबको एक साथ एकदम अच्छे से, बस कुछ नहीं करना, टाइट ही करना है। यहाँ पर इसकी स्क्रू को एकदम अच्छे से हम क्या कर देंगे, लगा देंगे। अभी तक दोस्तों हमने फेज को नहीं लगाया है। तो यहाँ पर देखिए ये वाला आपको हमने बताया था कि ये हमारा क्या था, ये दोस्तों था हमारा अर्थ। तो यहाँ पर देखिए अर्थ को हम लगा देंगे अच्छे से, ये देखिए अर्थ वायर का भी लगा करके बस क्या कर देना है आपको, टाइट कर देना है। ये देखिए अब दोस्तों हमने फेज वायर देखिए यहाँ पर डाला हुआ था, तो यहाँ सिंपल सा निकाल करके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फेज वायर का आप स्विच के नीचे वाले पोर्शन में कहीं पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, तो यहाँ पर हम कनेक्ट कर देंगे। ये देखिए ये मैंने कनेक्ट कर दिया, अब ये हमारा कनेक्शन जो था वो पूरी तरीके से दोस्तों कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए हम कनेक्शन आपको एक बार फिर से समझा देते हैं कि ये देखिए फेज है यहाँ पर जो इस, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, और यहाँ पर दोस्तों देखिए इसका एक पॉइंट है हमारे सॉकेट पर कनेक्ट कर दिया, यहाँ पर फेज वायर कनेक्ट कर दिया है, ये हमारा लूप करके दूसरे वाले पर गया है, तो यहाँ पर हमने न्यूट्रल वायर को कनेक्ट कर रखा है, और ये देखिए हमारा अर्थ वायर है जो हमें लाइटिंग से बचाता है यहाँ पर, और ये देखिए एक हमारा पॉइंट था जो हमारा बल्ब का है वो यहाँ पर हमने कनेक्ट कर दिया है। अब चलिए इसको हम सिंपल सा यहाँ पर लगा करके आपको टेस्टिंग करके दिखा देंगे। तो ये देखिए बस बहुत ही आसानी से, पीछे आपका हाथ ना लगे नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बहुत बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो ये देखिए बस आपको सिंपल सा अब इसी तरीके से इसके देखिए लगा लेना है बस यहाँ। तो यहाँ पर देखिए टेस्टर में लाइट आ चुका है। अब चलिए इससे हम कोई भी चीज़ चला करके आपको दिखाते हैं। तो ये लाइट हम जला करके दिखाएंगे यहाँ पर, ये देखिए अब ये कितना मस्त से काम कर रहा है यहाँ पर। बोल मधु, ये देखिए ऑन हम कर दिए, यहाँ पर दिखा दो, ये कितना मस्त तरीके से, और ये जो अभी इसके पहले जो लूज था ये एकदम अच्छे से काम कर रहा है, अब कोई भी इसमें फ्लक्चुएसन नहीं हो रहा है। और ऊपर दोस्तों यहाँ बल्ब नहीं लगा, नहीं तो ये भी जल जाता। तो अगर से आपको दोस्तों इसमें कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप हमको नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर से आप पहली बार कर रहे हैं तो आप स्लीपर और कोई भी हाथ में ग्लव पहन करके काम यह जरूर कीजिएगा। यार दोस्तों हमने देखा कि मैंने कितना अच्छे तरीके से और कितना ही सावधानी से दोस्तों एक बोर्ड को रिपेयर कर दिया है। दोस्तों आप इससे बड़ा भी बोर्ड इसी तरीके से रिपेयर कर पाएंगे, लेकिन दोस्तों आपको सिर्फ फेज वायर का ध्यान देना है। अगर से आपके घर में इन्वर्टर है तो दोस्तों फेज वायर और न्यूट्रल वायर दोनों को ध्यान में रखना है, वो आपके हाथ से टच ना हो, क्योंकि न्यूट्रल वायर से जब आप इन्वर्टर यूज करते हैं तो उसमें से रिटर्निंग करेंट आती है। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा। यार दोस्तों आपको कहीं समझ में आता नहीं है आपको कनेक्शन कैसे करना है, आप दोस्तों हमें नीचे कमेंट करके पूछ लीजिए, मैं आपको उसका जवाब जरूर दूंगा। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा। चले मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे रिपेयरिंग वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।